सर एजुकेशन की तरफ बड़ा ध्यान है, लेकिन हमें जानबूझकर इसी काम से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हमारे साथ वाल्मीकि जोड़ा गया है और जोड़ने के उपरांत ये फिर भी हमें यही चाहते हैं जो हमारे ज़मींदार लोग हैं, चाहे हाई स्टेटस बोल लीजिए, कि ये लोग इसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आज के टाइम का जो वाल्मीकि समाज है वो शिक्षित हो चुका है और शिक्षित के अनुसार वह आज IAS के एग्ज़ाम दे चुके हैं, कई IAS बन चुके हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बन चुके हैं, पायलट भी बन चुके हैं, बेटियाँ भी पायलट बन चुकी हैं। बस इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा SM न्यूज़ के माध्यम से कि आज वाल्मीकि समाज बहुत जागरूकता पे है और हमेशा ये जागरूकता पे ही रहेगा। डॉक्टर साहब, ये क्या ये एक प्रॉब्लम है कि ये अपने ही लोग ये काम करेंगे इसमें, और जो जाति में कह दूँ खुल के, और जो जाति के लोग काम करते हैं लेकिन वो सिर्फ अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए आते हैं और कुछ पैसा लोगों को दिया जाता है और अपना काम दूसरों से कराते हैं? जी, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा जो प्रशासनिक है उससे नाराज़ हूँ कि वो आधिकारिक तौर पर हम लोगों को यूज़ करते हैं, कई कई नाम चला देते हैं कि भाई ये नाम इस नाम से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो तनख्वाह किसी और नाम से खाते हो। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ और हम लोगों ने इस चीज़ के लिए जो यूनियन हैं, जितनी यूनियन हैं और इनके आयोग के माध्यम से भी हमने शिकायत दर्ज की है कि कुछ अधिकारीगण कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं इसी माध्यम से। हमारे दलाल भी क्यों होते हैं? जी, जो कि ठेकेदारी प्रथा है उसे हम ख़त्म करवाना चाहते हैं। अब आयोग में हमारे रविशंकर जी आ चुके हैं, अब नहीं मुहिम उन्हें बताएंगे और शायद वो इस विचार को जो हमारे सोचेंगे और समझेंगे और आगे के कार्य को अच्छी तरह बनाएंगे।